चुनाव पर महाकवरेज लगातार जारी है, हर अपडेट आपको हम देते रहेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनके साथ चुनाव पर चर्चा भी लगातार हम कर रहे हैं। उमाकांत लखेड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय जी बीजेपी से प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आरएलडी से इंद्रजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इंद्रजीत जी आपसे सवाल, क्या इस बार 55 सीटों पर आरएलडी का खाता खुलेगा, और खाता खुलेगा तो कितनी सीट पर आपका गठबंधन इस बार जीत हासिल करेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो लोग अभी तक वोट डालने गए नहीं गए हैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ये बहुत बड़ा पर्व है, इसको आप जो अपने मकसद से बड़े अधिकार मताधिकार का प्रयोग करना चाहें। दूसरी बात ये है कि जनता आपके बदलाव चाह रही है, जनता बहकावे में और छल कपट में नहीं आ रही है, वो रोजी रोजगार को लेकर, वो महंगाई को लेकर, वो युवा अपने भविष्य को लेकर मतदान कर रहा है, और इस बार तस्वीर बदलने जा रही है। फर्स्ट फेज में भी गठबंधन को बहुत बेतहाशा कामयाबी मिली है, और जो बाकी है इस फेज में हमको बहुत अच्छी कामयाबी मिलने जा रही है, और ये आने वाले समय में बदलाव का समय आ रहा है। जनता बदलाव चाहती है, देश का, उत्तर प्रदेश का विकास चाहती है, युवा रोजगार चाहता है, और गरीब लोग जो बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है उससे निजात चाहते हैं। ठीक है इंद्रजीत जी, आपके पास हम वापस आएंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझेंगे कि पश्चिमी यूपी कितना महत्वपूर्ण है, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो। अभी तक अगर पिछले चुनाव की बात करें, 2017 में बड़ी जीत यहां पर बीजेपी को मिली थी, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य से माना जाता है इस इलाके को, साथ ही साथ यहां पर किसान बड़ी तादाद में हैं। उमाकांत जी आपसे समझना चाहेंगे, क्या 2017 वाली जीत बीजेपी दोबारा से दोहरा पाएगी? क्या मुस्लिम वोट एक बार फिर से बीजेपी को वोट देगा? समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं इस बार के? देखिए, 2017 के समीकरण एकदम अलग थे। उत्तर प्रदेश में मोदी जी की बहुत भयावह लहर थी, और जो विपक्षी पार्टियां थी वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वो एक किस्म से बेमेल गठबंधन था जिसको जनता ने मोदी जी की जो आंधी थी उसके आगे स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये 2022 से 2017 नहीं है, पूरे समीकरण बदल दिए हैं। और जिस जिन 9 जिलों में आज चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के रोहेलखंड तक, शाजापुर, बरेली, बदायूं और इधर सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, ये जो इलाके हैं, ये इलाका, इसको चीन का गन्ने का क्षेत्र कहा जाता है। 23 लाख गन्ना किसान है इस जो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहेलखंड का जो इलाका है, 23 लाख गन्ना किसान है। और पहले पहले जो चरण में जो मतदान हुआ था उसमें भी बड़ी तादाद में किसान का क्षेत्र था, किसानों वाला क्षेत्र था, ये भी मैंने बताया। जी, हम आपके पास वापस आएंगे, चूंकि समय कम है। तमाम मेहमान और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अंशु अवस्थी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु जी, कांग्रेस को इस बार कहां देख रहे हैं आप? बात हो रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के टक्कर की, लेकिन कांग्रेस की बात यहां पर नहीं हो रही। अगर 55 सीटों की बात करें, कांग्रेस कहां है इस बार? देखिए, टीवी चैनलों पर बात चल रही है भाजपा और सपा के बीच में, जनता के बीच में जो बात चल रही है वो जनता के प्रत्येक मुद्दे पर लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी की और प्रियंका गांधी जी की चल रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना काल में किसने मदद की? कांग्रेस पार्टी ने की। तो सवाल ये है कि अब जब चुनाव आया तो बहुत सारे लोग उठ उठ कर आ चुके हैं, और भाजपा का सफाया उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा आने वाली नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार मांगने पर पीटा, किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, महिलाओं को आधी रात में जलवाया, सबसे ज्यादा अपमानित किया महिलाओं को और किसानों को। तो ऐसी सरकार अब उत्तर प्रदेश से जा रही है। छेदी लाल जी का गोरखपुर जाना तय है, आप 10 मार्च को देखिएगा। जितने जहरीले बोल भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, प्रदेश में भ्रष्टाचार करते रहे, अब चुनाव के समय हिंदू और मुसलमान पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे 2017 में बड़े बड़े वादे किए थे, उस पर क्यों नहीं वोट मांगते? नौकरियों के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? बिजली का 300 गुना ज्यादा दाम बढ़ा दिया, उस पर वोट क्यों नहीं मांगते? लाइन ऑर्डर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बदहाल, उस पर भाजपा वोट नहीं मांगती? तो ऐसे झूठ बोलने वाली पार्टी का सफाया होने जा रहा। इसी का जवाब ले लेते हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय जी का रुख करना चाहूंगा। संजय जी, अंशु अवस्थी जी साफ तौर से कह रहे हैं कि आप रोजगार के मुद्दे पर क्यों नहीं वोट मांगते, आप जो है बिजली के मुद्दे पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं?
देखिए कांग्रेस को अगर कांग्रेसियों को ही कांग्रेस पर भरोसा होता तो ये दूसरे चरण का जो मतदान है जी, ये वही रीजन है जहां कांग्रेस के दो सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के नेता, चाहे वो आप देखिए कि जितेंद्र प्रसाद जी हो और चाहे वो रामपुर का घराना हो, नवाबों का घराना हो, जो लगातार बेगम गुरबानों से लेकर और लोग कांग्रेस की विपरीत समय में भी वहां जीत दिलाती रहे, तो रामपुर का पूरा का जो कांग्रेस है वो भारतीय जनता पार्टी में है। जितिन प्रसाद जी जैसे परंपरागत जन्मजात कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में है। यही वो चरण था जहां कांग्रेस को दो सीट मिली थी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव है, यही और 7 चरण के चुनाव में पिछली बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल 7 सीटें मिली थी, लेकिन इस चरण के चुनाव में ही कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस यहां पर सुपड़ा साफ है, तो कांग्रेस के कमजोर होने और भारतीय जनता पार्टी में ही कांग्रेस के लोगों का ज्वाइन करना कांग्रेस को यहां नेस्त नाबूद कर दिया है और उसका लाभ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। इन 55 सीटों में कांग्रेस को जहां 2 सीट थी वो भी सीट इस समय बीजेपी के पास आई है और बीजेपी इस बार पिछले से ज्यादा इस चरण में जीत कर आने वाली है और निश्चित रूप से इस मुस्लिम भूमि के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और आज सुबह से हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है वो बता रहा है कि जो पिछली बार के हमारे ठीक है संजय जी हम आपके पास